एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत, मैं हूं एक रजिस्टर्ड नर्स अंटारियो में और इस चैनल पे मैं डालती हूं नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं एनक्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीओपीडी के बारे में। मैंने पहले भी दो वीडियोस डाली हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से बहुत चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चन आएगा एनक्लेक्स में। और इन जनरल भी अगर आप अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं नर्सिंग में या मास्टर्स कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सीओपीडी सीओपीडी ग्रुप ऑफ कंडीशंस है, मतलब एक डिजीज नहीं है इसमें। इसमें दो डिजीजेस आती हैं, एम्फाइजिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि एक इरिवर्सिबल चेंज है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक इरिवर्सिबल चेंज है जिसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल है। इसका सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये इरिवर्सिबल है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एम्फाइजिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइजिमा जिसको पुराने जमाने में पिंक पफर्स बोलते थे और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स बोलते थे। ये टर्म्स इतनी मेडिकली अभी यूज नहीं होती हैं क्योंकि ये स्टीरियोटाइप क्रिएट करती हैं। पहले जब लोगों को टैग दे देते थे कि ये पिंक पफर है, ये ब्लू ब्लोटर है, तो ये मतलब थोड़ा सा उनके पर्सनैलिटी के ऊपर टैग लग जाता था कि इनको एम्फाइजिमा है, इनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। तो इतना अभी ये टर्म्स यूज नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर पिंक पफर की बात कर रहे हैं तो वो एम्फाइजिमा है, ब्लू ब्लोटर की बात कर रहे हैं तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। तो हम अभी शुरू करते हैं एम्फाइजिमा से। एम्फाइजिमा डैमेज टू एल्वियोलाई, इसमें मेन टारगेट क्या है? इसमें है एल्वियोलाई। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में मेन टारगेट किसके ऊपर है? ब्रोंकाई के ऊपर है। दोनों का ये बहुत मेन डिफरेंस है क्योंकि इससे सारी पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड है। एम्फाइजिमा में, एल्वियोलाई में, आपके लंग के अंदर आपको पता है एल्वियोलाई है जिसमें गैस की एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, पर उसमें डैमेज हो गई है। अब जितने बचे हैं वो तो बहुत ही छोटे एल्वियोलाई है, मेच्योर नहीं है, या फिर उनकी इलास्टिसिटी बहुत कम हो गई है। तो इलास्टिसिटी जब कम हो जाएगी तो एल्वियोलाई में डैमेज हो जाएगी, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में अंदर आएगी वो अंदर रह जाएगी, बाहर उतनी नहीं निकल पाएगी जितनी चाहिए निकलनी। तो उससे क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। जब डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में तो आप कोशिश करेंगे वो गैप्स को फिल करने की, जो ब्रीदिंग गैप्स हैं, तो उससे आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो चीक्स हैं वो पिंक हो जाते हैं, इसलिए उसको पिंक पफर्स बोलते हैं। बहुत सारी एनर्जी यूज करना पड़ता है क्लाइंट को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में बॉडी से, तो उसकी वजह से वो बहुत थिन होते हैं क्योंकि बहुत एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसरी मसल्स बहुत यूज होती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी चेस्ट है वो बैरल शेप हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक साइन होता है, वो है बैरल चेस्ट। अगर एनक्लेक्स में आपको क्वेश्चन आता है बैरल चेस्ट, तो सीधा एम्फाइजिमा का एक साइन है सीओपीडी के अंदर। और अगर आपको थिन, अगर आपको आता है कि वो क्लाइंट्स कैसे दिखते हैं, तो क्लिनिकल मतलब साइंस क्या है, तो वो है थिन होंगे, थिन अपेयरेंस होगी उनकी, पिंक कलर के चीक्स होंगे उनके, उन पफी चीक्स होंगे, क्योंकि वो ऐसी पर्स लिप टेक्निक कर करके ब्रीदिंग करके फैसिलिटेट करते हैं गैस एक्सचेंज को। तो मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एम्फाइजिमा के, साइंस हैं थिन इन अपेयरेंस, वो बहुत पतले होंगे क्लाइंट्स, और उनकी पफिंग चीक्स होंगी, पर्स लिप ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं वो, और बैरल चेस्ट होगी, ट्राइपॉड पोजिशन होगी। तो ये है एम्फाइजिमा। तो मेन टारगेट इसमें क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में डैमेज है, एल्वियोलाई में इलास्टिसिटी कम हो गई है, सर्फेक्टेंट आपकी बॉडी में उतना काम नहीं कर रहा है, सर्फेक्टेंट कम रह गया है, तो उसकी वजह से लंग के अंदर गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम है। तो उससे होगा क्या, उसके जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में रह रही है उससे CO2 लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में, फिर इन जनरल बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसको हम ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंसान बहुत ब्लू दिखता है साइनोसिस होने की वजह से, तो इसके लिए उसको ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें साइनोटिक ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मैंने आपको बताया था कि एम्फाइजिमा में टारगेट है एल्वियोलाई और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपका टारगेट है, डिजीज का टारगेट है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होने की वजह से साइनोसिस हो रही है, तो इंसान कैसे दिखेगा, बोलते हैं कि साइनोटिक है ये, तो उसको ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में
बहुत सारी म्यूकस प्रोडक्शन होती है, म्यूकस प्रोडक्शन होती है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर इन्फेक्शन है बॉडी में तो स्पूटम डिसकलर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो डिसकलरेशन ऑफ स्पूटम कब होगी? जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, मतलब आपके नहीं क्लाइंट की बॉडी में इन्फेक्शन है, तो डिसकलरेशन ऑफ स्पूटम होगी। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? मेन साइन एंड सिम्टम्स है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में साइनोटिक। तो क्लाइंट साइनोटिक दिखेगा, ऑबीस दिखेगा, कफ होगी विद स्पूटम। तो इसमें मेन एक चीज है वो है कफ। तो हमने बात की थी एम्फाजिमा में कफ नहीं होती है, तो ये एक मेन डिफरेंस है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कफ होती है, इनिशियली स्टेजेस में कफ एक मेजर साइन है इसका। अगर कफ है और साइनोसिस है और इन्फेक्शन है और बीज है क्लाइंट, तो उसमें चांसेस है कि उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। लंग असेसमेंट करने पे आपको क्या सुनाई देगी? वीजिंग और क्रैकल्स, क्योंकि फ्लूइड एक्युमुलेशन है, तो वीजिंग सुनाई देगी, क्रैकल सुनाई देगी। इसमें आपको जब आप इसकी असेसमेंट करते हैं एम्फाजिमा की, तो हाइपर रेजोनेंस सुनाई देगी प्रिकॉशन करने के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंक्लेक्स आपको टेस्ट कर सकता है इस चीज के ऊपर। तो हाइपर रेजोनेंस सुनाई देगी एम्फाजिमा में। इसमें आपको क्या सुनाई देगा असेसमेंट करने पर लंग साउंड में? वीजिंग एंड क्रैकल्स। इसमें वीजिंग होगी लेकिन इसमें श्योर साइन है वीजिंग एंड क्रैकल्स होंगी। पेरिफेरल एडिमा होगा, क्यों होगा? क्योंकि राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है। राइट साइड हार्ट फेलियर मतलब जितना भी ब्लड आपका लंग्स में जाके एक्सचेंज होनी चाहिए वो वापस आ रहा है, क्योंकि लंग सिस्टम में फेलियर है तो वापस आ रहा है। तो राइट वेंट्रिकल में आके वापस कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है। तो उसके लिए 2 hours आप याद कर सकते हैं। 2 hours कैसे करेंगे? राइट साइड फ्रॉम एक आर से राइट साइड हार्ट फेलियर, दूसरे आर से रिवर्स, ब्लड का रिवर्स हो रहा है, तो ब्लड वापस बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी बहुत बड़ी दिखेगी जिसकी वजह से क्लाइंट ऑबीस दिखेगा और बिग इन साइज दिखेगा। तो ये किससे रिलेटेड है? ये राइट साइड हार्ट फेलियर में। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि राइट साइड हार्ट फेलियर होगा। राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो ब्लड वापस जाएगा बॉडी में, वापस जाएगा तो पेरिफेरल एडिमा होगा, डिपेंडेंट एडिमा बोल सकते हैं उसे। तो आपके जो क्लाइंट के लेग्स हैं वो बहुत बड़े दिखेंगे, फिर उसके साथ जुगलर वेन डिस्टेंशन साइंस, ये उसके रिलेटेड साइंस हैं बाद में। तो पेरिफेरल एडिमा एक मेजर साइन है ड्यू टू राइट साइड हार्ट फेलियर। उसको याद करने की दो आपको आर याद रखनी है। एक आर है राइट साइड हार्ट फेलियर फ्रॉम 1 hour, दूसरे आर से रिवर्स, आर फॉर राइट साइड हार्ट फेलियर, आर फॉर रिवर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें क्या मेन है जो याद करने वाला है? कफ विद स्पूटम, कफ विद स्पूटम। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो उसकी डिस्कलरेशन हो जाएगी, स्पूटम की डिस्कलरेशन नहीं होगी नॉर्मली। अगर उसका आपको इन्फेक्शन है क्लाइंट को तो ही डिस्कलरेशन होगी, अदरवाइज स्पूटम नॉर्मल होगा। और इसमें क्या मेन था? डैमेज टू एल्वेलाई। इसमें मेन है डैमेज टू एल्वेलाई, पिंक कलर के चीक्स हो जाएंगे, ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी तो थिन अपेयरेंस हो जाएगी, थिन अपेयरेंस हो जाएगी और चेस्ट का साइज बड़ा दिखेगा, तो बैरल चेस्ट उसको बोलते हैं, ट्राइपॉड पोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं इंजर्नल सीओपीडी में SpO2 जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बिलो 90% नॉर्मल है। अगर आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है एंक्लेक्स क्वेश्चन पूछ के कि 95% से कम ऑक्सीजन लेवल है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन दे देते हैं। इनिशियली आपको ऑक्सीजन देने की कोई जरूरत नहीं है क्लाइंट को, 90% नॉर्मल है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑक्सीजन अंदर आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो रही है बॉडी के अंदर। तो 90% से नीचे भी ऑक्सीजन इज नॉर्मल। अगर 88-93% है दैट इज नॉर्मल। 95 अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो ऑक्सीजन देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम सीओपीडी वाले क्लाइंट को 1-3 liter ऑक्सीजन देते हैं, मतलब लो डोज ऑक्सीजन देते हैं, लो लेवल ऑक्सीजन और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन के ऊपर मेंटेन करना है। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। हाई आरबीसी लेवल ड्यू टू एफर्ट ऑफ बॉडी टू कंपनसेट हाइपोक्सीमिया। तो हाइपोक्सीमिया हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन करेगी। जब ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन होगी तो ब्लड एनालिसिस करने के ऊपर आपको अनीमिया नहीं दिखेगा। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि एक साइन दे देते हैं, क्लिनिकल साइन दे देते हैं कि अनीमिया है क्लाइंट को, वो गलत है। वो सीओपीडी में अनीमिया नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी आरबीसी के काउंट बढ़े हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द बॉडीज एफर्ट टू कंपनसेट द हाइपोक्सीमिया। लैब वैल्यूज, जो मेन लैब वैल्यूज आपको पता होने चाहिए वो ये है कि हाई PaCO2, तो जिसको प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ओवर 45 हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कैपनिया। अगर क्वेश्चन में आता है हाइपर कैपनिया, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ब्लड के अंदर वो ओवर 45 हो गया है और ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 80% से कम हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है? 80-100, तो 80 से अगर कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो 45 से ऊपर जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर अबव 45 है और ऑक्सीजन लेवल बिलो 80 है तो वो दोनों कंडीशंस सीओपीडी में है।
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन इसमें होती है. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होती है? एसिडोसिस वर्ड रिलेटेड है हाइपरकैपनिया से. कार्बन डाइऑक्साइड अबव 45 है और पीएच जो है उसमें भी चेंजेस आते हैं. लेकिन आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड मींस टू मच एसिड इन द बॉडी. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी. क्वेश्चन घुमा के आपको एंकलेक्स पूछ सकता है कि क्या हो रहा है इसमें, एल्कलोसिस हो रही है कि एसिडोसिस हो रही है. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है सीओपीडी में बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो बहुत बड़ा हुआ है. पीएच में भी प्रॉब्लम आती है लेकिन इसमें हम गैस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं फिलहाल. तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसलिए वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. और एक चीज और, जब आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में रिटेंशन हो रही है उसकी, उससे क्या होगा? टू मच कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स टू मच कंफ्यूजन. तो उसके क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. जो आपका क्लाइंट है वो आपको एजिटेटेड रेस्टलेस दिखेगा. उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से वो कंफ्यूज दिखेगा. आपको लगेगा कि उसको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि सफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रहा है, गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम है, एल्वियोलाई डैमेज हो रहा है. तो उसकी वजह से जो क्लाइंट है वो रेस्टलेस दिखेगा, एजिटेटेड दिखेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा उसमें और कंफ्यूज स्टेट में होगा. तो जितने भी सीओपीडी के एडमिशन होते हैं आप देखेंगे कि उनका कंफ्यूजन लेवल बहुत बड़ा हुआ होता है. इसको करेक्ट कैसे करेंगे? आप एक चीज बताइएगा, अगर क्लाइंट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गया है, क्या आप उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देके करेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ऑक्सीजन की तो प्रॉब्लम है ही नहीं. प्रॉब्लम कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो रही है, उसको बाहर निकालना. कैसे बाहर निकालेंगे? बाईपैप मशीन यूज करके. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकालना है. सो ये नहीं है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ गई है बॉडी में, फालतू की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना है. ठीक है, सो नो ऑक्सीजन थेरेपी इनिशियली रिक्वायर्ड. तो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन थेरेपी की कोई जरूरत नहीं है. इंटेंशन इज टू गेट द रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इंटेंशन क्या है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में. और अब बात करते हैं, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, स्मोकिंग. स्मोकिंग एक मेजर फैक्टर है सीओपीडी में. जब आपका क्लाइंट आता है आप देखेंगे 90% ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं वो स्मोकिंग की हिस्ट्री लेके आते हैं. तो अगर क्लाइंट की हिस्ट्री है स्मोकिंग की तो सीओपीडी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. स्मोकिंग एक तो डायरेक्ट स्मोकिंग कि वो स्मोक कर रहा था सिगरेट्स वगैरह. ठीक है, दूसरा हो सकता है कि कोई मैकेनिक्स है वो कार शॉप पे काम करते हैं या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत पॉल्यूटेंट्स है, वहाँ बहुत स्मोक है, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. तो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स क्या है? स्मोकिंग. और एक चीज है, बॉडी में एक प्रॉब्लम हो जाती है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है एक, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए वो इंसान के कंट्रोल के अंदर नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रॉब्लम है जिसमें अल्फा एंटीट्रिप्सिन एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. इंसान की हिस्ट्री नहीं है स्मोकिंग की, इंसान के कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें पॉल्यूटेंट्स इनहेल हो रहे हैं, कोई ऐसी एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या है, एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फा एंटीट्रिप्सिन एंजाइम डेफिशिएंसी होने से भी सीओपीडी हो जाती है. और इनहेल्ड इरिटेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हैं जिसमें बहुत जो इनहेलेशन करते हैं पॉल्यूटेंट्स की, उनमें भी सीओपीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं. और एजिंग, बहुत जब ओल्ड एज में जाके वैसे ही बॉडी के एल्वियोलाई डैमेज होने लग जाती है या फिर कोई और ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से एल्वियोलाई में डैमेज हो रहा है, तो वो भी चांसेस हो सकते हैं कि सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाए आगे जाके. अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं. डायग्नोस करने के लिए हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें हम लंग्स के बारे में, उसकी फंक्शनिंग कंडीशन कैसी है उसके बारे में टेस्ट करते हैं. और उसमें एक टेस्ट होता है FEV FVC, उसकी रेशियो चेक करते हैं. ये एक श्योर डायग्नोस टेस्ट है जिससे पता चलता है कि सीओपीडी है या नहीं है. और चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ECG बिकॉज हार्ट के चेंजेस आते हैं, राइट साइड हार्ट फेलियर है, तो ECG और ABG बिकॉज हमें चेक करना है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, तो ABG एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में. ट्रीटमेंट ब्रोंकोडाइलेटर्स, क्योंकि ब्रोंकाई में प्रॉब्लम है तो डायलेशन करनी है तो ब्रोंकोडाइलेटर्स. और एक्सपेक्टोरेंट, कफ है और स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रहा है तो एक्सपेक्टोरेंट करेंगे. कफ सुप्रेसेंट हमें नहीं देने हैं. अगर क्वेश्चन में आता है कफ सुप्रेसेंट ऑप्शन है तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमें कफ को सुप्रेस नहीं करना है. कफ होगी ही होगी और उसको हमें एक्सपेक्टोरेट करके स्प्यूटम को बाहर निकालना है.
जस्ट फिजियोथेरेपी, वॉकिंग. वॉकिंग क्यों करनी है? ताकि कार्डियो वेस्कुलर फिटनेस बनी रहे, क्योंकि हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है. तो जो नॉर्मल वॉकिंग एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो COPD वाले क्लाइंट्स नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं. और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सम थेरेपी. स्टेरॉइड्स पे आ जाते हैं एंड पे, तो पहले हम ये सब चीज़ें ट्राई करेंगे, उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी दे सकते हैं. फिर बात करते हैं नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. इंटरवेंशंस, डाइट. हमें क्लाइंट को बताना है कि कोई गैसी फूड नहीं खाने हैं, कोई भी ऐसे खाना नहीं खाना है जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो. तो हमें नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डाइट मॉडिफिकेशन द डाइट, कोई भी गैसी फूड नहीं देने हैं क्लाइंट को, और कार्बोहाइड्रेट्स कम देने हैं, फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं, प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए मील्स में, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए. उनको थिन अपेरेंस वाले होते हैं और उनकी बहुत एनर्जी यूज होती है, तो इसलिए डाइट के ऊपर फोकस करना है. और हम टीच कर सकते हैं क्लाइंट को पर्स क्लिप टेक्निक कैसे यूज़ करनी है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके. फिर आता है अवॉइड कफ सुप्रेसेंट. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर क्वेश्चन आता है एंक्लेक्स में या नॉर्मली भी आपको ऐसे ट्रिक करने की कोशिश की जाती है एंक्लेक्स में कि कफ सुप्रेसेंट ऑप्शन है, कफ एक्सपेक्टोरेंट है, तो एक्सपेक्टोरेंट आपका चॉइस होनी चाहिए, सुप्रेसेंट नहीं होना चाहिए. और एजुकेट फ्लूइड्स. फ्लूइड्स क्यों देने हैं? ताकि जो सिक्रीशंस हैं उनको लूज किया जा सके और बॉडी से बाहर निकाला जा सके. तो फ्लूइड हमें मेंटेन करके रखने हैं. डाइट मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादा प्रोटीन देने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम देने हैं, फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए मील, उसके बाद अगला मील जाए. एकदम से हैवी मील नहीं देना है, और वैसे भी ज़्यादा हैवी मील होगा तो पेट ज़्यादा मतलब उसके अंदर ज़्यादा फूड होगा तो डायफ्राम को एक्सपैंड होने में प्रॉब्लम होगी, डायफ्राम का फंक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो और डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में. और एक चीज़ और हमने मेन फोकस रखना है, वो है कि हमने खाना खिलाने से पहले क्लाइंट को मेक श्योर करना है कि उसकी जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन्ड है, क्योंकि वो पर्स स्लिप ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. वैसे भी मुंह खोल के जब सांस छोड़ते हैं तो उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है माउथ के अंदर, तो टेस्ट बर्ड्स इतना काम नहीं करते हैं, तो वो मील्स खाएंगे ही नहीं, तो क्या होगा? और डाइट प्रॉब्लम हो जाएगी और फूड इनटेक में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मेक श्योर कि उनके टेस्ट बर्ड्स एक्टिव हो जाएं, पहले उनको ओरल हाइजीन देनी है, और आफ्टर एवरी मील मेक श्योर कि उनको थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए माउथ को हमने इन बिटवीन उनको वाटर देते रहना है. इसलिए एजुकेट फ्लूइड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो सफिशिएंट फ्लूइड इम्पॉर्टेंट है, डाइट मॉडिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, पर्स स्लिप टेक्निक आनी चाहिए क्लाइंट्स को, और चेस्ट फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व करनी है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी केयर टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाने चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, पर्मनेंट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के अंदर क्लाइंट्स को रजिस्टर करवा सकते हैं. तो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें हैं. तो बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में एंक्लेक्स के किसी और टॉपिक के ऊपर. बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, इससे आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ. टिल देन टेक केयर.